This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है? शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के इस 24वें बैच के, जो कि एक एक्सक्लूसिव बैच है, इसके लेक्चर नंबर 22 में खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो अभी तक सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। इवन काफ़ सारे स्टूडेंट माशाल्लाह असाइनमेंट्स कंप्लीट करके बैठे हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्टिल काम नहीं कर रहे। हो सकता है कोई कहीं पे मसरूफ हो, मगर अभी भी टाइम है, अभी लेक्चर ज़्यादा नहीं हुए। 30 तक लेक्चर होंगे, 30 लेक्चर टोटल होंगे और आपके पास टाइम है, आप साथ साथ इसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है? अच्छा, अब मैंने लास्ट आप लोगों को लास्ट टाइम जो मैं बता रहा था ऑफ पेज SEO का, और ऑफ पेज SEO का आप लोगों को मैंने सिखा दिया था। 3-स्टेप फार्मूला के बारे में मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि 3-स्टेप फार्मूला की मदद से हम लोग अपनी वेबसाइट की रैंकिंग करवाते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं। बेसिकली 3-स्टेप फार्मूला में पहला जो स्टेप था वो था ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है कि ब्रांडिंग में हमने एक टूल यूज किया noem.com, और इस टूल के जरिए हमने सोशल मीडिया के अकाउंट बनाए। सोशल मीडिया के अकाउंट बनाने के बाद बेसिकली हमने जो है वो उनको ऑप्टिमाइज किया अपनी वेबसाइट के मुताबिक। अच्छा, उनको हमने अपनी वेबसाइट के मुताबिक ढाल दिया, ऑप्टिमाइज कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, सोशल शेयरिंग। सोशल शेयरिंग क्या होता है? ब्रांडिंग और सोशल शेयरिंग में जो है वो फर्क होगा। ठीक है, सोशल शेयरिंग क्या होता है कि हमने अपनी वेबसाइट को सोशल सिग्नल्स दिलवाने हैं। सोशल सिग्नल्स क्या होते हैं? जो हम अपनी वेबसाइट को शेयर करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उनको सोशल शेयरिंग बोलते हैं। और जो एक पोस्ट लगती है, एक पोस्ट होती है हमारी वेबसाइट के लिंक के साथ, वो एक सोशल सिग्नल हमारी वेबसाइट की तरफ जाता है। एक साइड शेयर्ड अकाउंट, ये साइट है जी shared account.com। हमने टॉप 10 एनालिसिस किए और उसमें कंपेटिटर्स की लिस्ट निकाली। फॉर एग्जांपल, मेरा कंपेटिटर है, मेरा कीवर्ड है जी हेयर स्टाइल्स फॉर मेन। फॉर एग्जांपल मेरा ये कीवर्ड है, इसमें जो मेरा पहला कंपेटिटर है ना, हमने अपने टॉप 10 कंपेटिटर्स को वन बाय वन ऐसे चेक करने हैं। फेसबुक पे 193 दफा शेयर हुआ है, पिनट्रस्ट पे 0 टाइम शेयर हुआ है। तो इसके जो सोशल सिग्नल बने इन दो प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करने होने के बाद, वो 193 है। यानी कि 193 से ज्यादा शेयरिंग हमें चाहिए ताकि हमारे जो सोशल सिग्नल्स हैं वो मजबूत हो। सोशल सिग्नल हमारी वेबसाइट की तरफ ज्यादा आएंगे, हमारे कंपेटिटर से ज्यादा एटलीस्ट आएंगे, तो हमें फायदा होगा। यानी कि सोशल सिग्नल्स तक जब आप हमारी साइट पहुंचती है, सोशल शेयरिंग हम करवाते हैं। और ये आपने रैंडम अकाउंटों से करवानी है। इस रैंडम अकाउंटों से करवाने के लिए आपके पास होना चाहिए VPN, वो आप ले सकते हो। लाइक पीछे में VPN मल्टीपल PVS, ठीक है। PV होता है पर्सनल वेरीफाइड अकाउंट, और पर्सनल वेरीफाइड अकाउंट होता है USA के IP से जो बनाया गया। तो USA के अकाउंट जो होते हैं और एक्चुअली वेरीफाइड अकाउंट जो होते हैं वो हमें चाहिए। मल्टीपल PVS यानी कि ईमेल एड्रेसेस चाहिए होते हैं। ईमेल एड्रेसेस ना तो Gmail हो, ठीक है, Yahoo और हॉटमेल आप यूज कर सकते हो,
इस काम के लिए जीमेल यूज नहीं करना। आपने बल्क में शेयरिंग करवानी है अपनी वेबसाइट की तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, पिनिंटरेस्ट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, रेडिट हो गया, जितने भी यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तमाम पे आपने सोशल शेयरिंग करवानी है। इतनी शेयरिंग हो कि हमारे कंपेटिटर से ज्यादा जो है वो हमारे हमारी वेबसाइट को सोशल सिग्नल्स मिले, इसके बाद ही हमारी वेबसाइट अच्छी रैंकिंग में आएगी। क्रोम ब्राउजर आपने यूज नहीं करना शेयरिंग करने के लिए। प्रॉक्सी लगानी है यानी कि वीपीएन लगाना है, और उसके बाद ईमेल अकाउंट से अकाउंट नया बनाना है, ट्विटर का, पिनिंटरेस्ट का। अपने लिंक को शेयर किया और उसके बाद उस अकाउंट को लॉग आउट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को जी? आकिब नहीं आ रही आवाज आपको जी? उमर? अच्छा चलो ठीक है। नहीं नहीं रिकॉर्डिंग में आप लोगों को सही मिलेगा इंशाल्लाह, परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये आपने जो सोशल शेयरिंग करनी है यानी कि सोशल सिग्नल्स दिलवाने हैं अपनी वेबसाइट को, ये उसके लिए काम करना है कि बिल्कुल एनोनिमस होके काम करना है। क्योंकि गूगल के अगर आप रूल्स को पढ़ो, जो वेबसाइट की रैंकिंग के रूल्स हैं उसको अगर आप पढ़ो, तो उसके मुताबिक जो है हम अपनी वेबसाइट को हमें खुद शेयर नहीं करना। मगर बात यह है कि एक जो नई वेबसाइट है उसको कोई माइक्रोसॉफ्ट का बंदा या उसको फॉर एग्जांपल फेसबुक का कोई एम्प्लॉई वो क्यों शेयर करेगा, उसको क्या ज़रूरत है? ठीक है, हम चाहे अपनी वेबसाइट में बहुत अच्छे वाला कंटेंट भी यूज़ कर लें तो वो क्यों शेयर करेगा, जब तक कि हमारी वेबसाइट के अंदर इतनी वर्थ ही नहीं है कि और जो हमारा वेबसाइट पर यूज़र आ रहा है वो शेयर ना करे। इट मीन्स कि हमें ये शो करवाना है कि हमारी वेबसाइट पर यूज़र आ रहा है, वो ही शेयरिंग कर रहा है हमारी वेबसाइट की। तो जब हम ये इम्प्रेशन हमारी वेबसाइट का जाता है तो फिर लोग नेचुरल वे में शेयर करना शुरू कर देते हैं और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म उसको अपने पास रैंकिंग में ले आते हैं, और जब रैंकिंग में लेकर आते हैं उसके बाद हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आने लग जाती है और नेचुरल वे में शेयरिंग भी होने लग जाती है। तो उसके बाद हमें काम नहीं करना पड़ता इस तरह का। मगर सोशल मीडिया की जो टीम है वो एक्चुअल में वो चलती रहती है, हम जब जैसे ही नया आर्टिकल पब्लिश करते हैं वो उसको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे शेयर करती है। आपने अक्सर देखा होगा सॉफ्टवेयर हाउसेस की जॉब निकलती है तो उसमें सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब आती है, आपने अक्सर शायद देखा हो, देखा आप लोगों ने? हाँ जी, तो इसीलिए, हाँ जी, वो इसीलिए जॉब आ रही होती है बेसिकली कि सोशल मीडिया मैनेजर के बगैर गुजारा ही नहीं है, यानी कि सोशल सिग्नल्स देना होते हैं कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी कंपनी हो, ठीक है। और जब एक सॉफ्टवेयर हाउस बनता है तो उसमें डेफिनेटली हमें प्रोजेक्ट मिलते हैं जिनको रैंकिंग करवाना होती है, तो सोशल सिग्नल्स के लिए यूज़ किया जाता है। फिर मल्टीपल अकाउंट इस तरह से मैनेज किए जाते हैं कि गूगल को कहीं से भी पता ना चले। ये जो शेयरिंग हम करवा रहे हैं ये खुद से करवा रहे हैं। तो हाँ जी, तो ये आपने सोशल शेयरिंग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे करनी है। अपने एक लिंक को उठाया, उसको चार पांच डिफरेंट अकाउंटों से पोस्ट कर दी, फेसबुक पे, पिनिंटरेस्ट पे, इंस्टाग्राम पे, रेडिट पे, ठीक। उसके बाद आपने उन अकाउंटों को लॉग आउट करने के बाद जब शाम के टाइम या नेक्स्ट डे फिर शेयरिंग स्टार्ट की तो फिर आपने एक दूसरे यूआरएल को उठाना है उस वेबसाइट के। फॉर एग्जाम्पल abc.com मेरी वेबसाइट है या फॉर एग्जाम्पल trymini.com मेरी वेबसाइट है, उसको फिर आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना है, जिससे पता चलेगा कि गूगल को ये नोटिफिकेशन जाता है कि ये वेबसाइट की, ये इस लिंक की वर्थ है, तो लोग इसको शेयर कर रहे हैं। तो जब सोशल सिग्नल्स
हमारी वेबसाइट की बढ़ती है, यानी कि सोशल शेयरिंग हमारी वेबसाइट की बढ़ती है तो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग पे असर पड़ता है उसका। अच्छा, अक्सर लोगों को ये नहीं पता, और एसईओ भी उसी चीज का पता होता कि गूगल, इससे पहले कि हम गूगल से यूजर लें, गूगल इस चीज को देखता है कि हम गूगल को कितना यूजर दिखा सक रहे हैं, ठीक है। यानी कि पहले हम अपनी वेबसाइट पे खुद से कितना यूजर लेकर आए हैं, खुद से यूजर कहाँ से आता है, ये जो आप लोग ब्रांडिंग कर रहे हो, ये जो आप लोग सोशल शेयरिंग करोगे, यहाँ से हमें यूजर मिलेगा। जो यूजर होगा वो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग में उसका असर होता है, ठीक है। उसकी वजह से हमें एक्चुअल में फिर गूगल रैंकिंग देता है, क्योंकि गूगल का रैंकिंग का ये फैक्टर है बेसिकली कि जिसकी वेबसाइट पे यूजर है वो गूगल उसी को फिर रैंकिंग भी देता है, और जब रैंकिंग होती है तो डेफिनेटली फिर यूजर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपने कॉन्सेप्ट को समझना है बेसिकली। अच्छा, तीसरे नंबर पे हम आ जाते हैं, तीसरा स्टेप है बेसिकली लिंक बिल्डिंग, आप एक बैकिंग सॉल्यूशन। इसका इंट्रोडक्शन तो ये क्या है बेसिकली, जब किसी ने एमएनए एमपीए बनना होता है तो उसको जीतने के लिए किस किन चीजों की जरूरत होती है, मेन चीज क्या होती है। किसी ने अगर एमएनए बनना है, आपने जो है अपने इलाके में हल्के में कभी देखा होगा, कोई बता सकता है मुझे? हाँ जी, किसी को मालूम है कि अगर किसी ने किस तरह की सपोर्ट की जरूरत हो, मैं बता सकता हूँ, मुझे आप बता सकते हो? बिल्कुल ठीक है, अपने पहचान बनाता है, ठीक है, अपनी पहचान करवाता है और अपनी अपना मोटो लेकर आता है कि हाँ जी जीतना होता है। जब कोई एमएनए बनता है, एमपी का मेंबर बनता है, तो वोटों की वजह से बनता है, पता है ना आप लोगों को वोट वोट सिस्टम क्या होता है? हाँ जी, एक्चुअल में, हाँ एक्चुअल में जो होता है वो यही होता है, इलेक्शन में वोट है, वोटिंग सिस्टम होता है, वो यही होता है कि इलेक्शन जीतने के लिए चाहिए कि भाई इतमाद करते हैं, ठीक है, आपके लिए। अब जो एसईओ है, तो हम अच्छा तो इंटरनेट पे सैकड़ों हजार होते हैं और लाखों की तादाद में साइटें हैं, लोग किस किस शेयर करें बना लें, ठीक है। जब तक कि हम अपनी वेबसाइट की खुद पहचान ना, उसके लिए हम करते हैं अपनी वेबसाइट को सपोर्ट दिलवाते हैं, हम अपनी वेबसाइट को वोट दिलवाते हैं। तो जब हम अपनी वेबसाइट को वोट देते हैं या कह लो, तो इसका फायदा ये होता है कि हम हमारी वेबसाइट जो है वो रैंकिंग में आना शुरू हो जाती है, और उसके बाद नेचुरल वे में हमें हमारी लिंक्स देंगे, ठीक। अच्छा, मगर लिंक बिल्ड पहले, लिंक स्टार्ट करने से पहले कह लो कि स्टेप है, उसको बोला जाता है एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। इसको समझना जरूरी है, इससे पहले कि हम लिंक बिल्डिंग की तरफ आए, एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला हमें समझना है, और उससे भी पहले, लिंक बिल्डिंग से भी पहले हमें देखना है कि हमारी वेबसाइट
हमारी वेबसाइट इंडेक्स हुई भी है कि नहीं हुई, इंडेक्सिंग चेक करनी है हमने अपनी वेबसाइट की। google.com पे जाके आपने ये देखना है SIT और फॉर एग्जाम्पल mini.com या व्हाटएवर जो भी आपकी वेबसाइट है जिस पे भी आप काम कर, उसको आपने चेक करना है कि आया के वो वेबसाइट इंडेक्स है भी सही कि नहीं। अगर वो गूगल में रिजल्ट शो करवाए जैसे ये करवा रही है, अगर वो रिजल्ट शो करवाए उसके बाद हमने लिंक बिल्डिंग शुरू करनी है, ठीक, उससे पहले नहीं करनी है। कि अगर कोई वेबसाइट इंडेक्स नहीं है तो आपने उसकी उसकी तरफ लिंक्स बनाना शुरू नहीं करने, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं होगा। क्योंकि कोई वेबसाइट जब तक गूगल के पास इंडेक्स और इंडेक्स होने के बाद कैश हुई नहीं है, इंडेक्सिंग एक्चुअल चेक करने का तरीका ये होता है कि जो हमारा होम पेज है ना वो यहाँ शो हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये शो हो रहा है, इस पर क्लिक किया, ड्रॉप डाउन पे कैश्ड पे क्लिक कर रहे हैं। अगर हमारी वेबसाइट कैश हुई है, कौन सी डेट को हुई है, 2 अक्टूबर, ठीक है, कैश हुई है, इट मींस कि अब हम इसकी तरफ लिंक बना सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर हमारी वेबसाइट इंडेक्सिंग नहीं हुई और कैश्ड नहीं हुआ, एक्चुअल चीज है कैश, अगर कैश नहीं हुआ ना ये गूगल पे सर्वर पे डाउनलोड नहीं हुआ, तो हम बैकलिंक जितने मर्जी बना लें हमारी वेबसाइट को कोई फायदा भी नहीं होगा, ठीक है। इंडेक्सिंग चेक कर ले, उसके बाद हमने लिंक्स बनाने, लिंक्स बनाने से पहले एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला समझना है। एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला क्या है, एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला ये है बेसिकली, कि हमने अपनी वेबसाइट को जो लिंक्स हमने अपनी वेबसाइट की तरफ बनाने हैं वो किस किस तरह बनाने हैं, यानी कि हमने अपनी वेबसाइट का जो जाल बिछाना है, जो इसको वोटिंग दिलवानी है, उसको एक उसकी प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटेजी हमने बनानी है। वो स्ट्रेटेजी ये है कि हमने एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का एक फार्मूला बनाया, आपने आज इसको समझना है, कल जब मैं इस लेक्चर को दोबारा नेक्स्ट यहीं से लेकर चलूंगा तो आप लोगों को समझ आएगी कि ये है क्या, ठीक है। और प्रोडक्ट की लिस्ट मैंने निकाल ली है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आज कल में ही वो लिस्ट दे दूंगा, ताकि आप लोग जो जो बंदा ई कॉमर्स की वेबसाइट बना के उसको रैंक करवाना चाहता है और वो जो है रैंकिंग में लाना चाहता है बेसिकली, वो अपनी जो ई कॉमर्स स्टोर है वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मनी एंकर, ब्रांड एंकर, मनी एंकर क्या होता है, मनी एंकर वो होता है जिस कीवर्ड पे हमने टारगेट करके उसको एक्चुअल में रैंकिंग में लेकर आना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा कीवर्ड है गेट पेड टू टेक सर्विस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जो है वो लॉन्ग टर्म कीवर्ड था और ये हमारा विनिंग कीवर्ड था और सबसे ज्यादा सर्च इसी की है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सबसे लो कंपटीशन कीवर्ड यही है। तो हमने अपने मनी एंकर LSI क्या होता है, LSI एक टूल है, LSI ग्राफ, हमने अपना मनिया कर देना है,
एस आई का पहले से लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। बेसिकली रिलेटेड कीवर्ड जो होते हैं उनको एल एस आई बोला जाता है, ठीक है, रिलेटेड कीवर्ड्स। अब हमने एट परसेंट इनका आठ दफा एल एस आई कीवर्ड यूज करने लाइक एक दफा हम ये यूज करेंगे, एक दफा हम यूज करेंगे सर्विस दैट पे कैश, तो हम यूज करेंगे हाईएस्ट ये यूज करेंगे हम मेक मनी ऑनलाइन। अच्छा ये हो गए एलएसआई, इनको यूज कैसे करना है, कहाँ करना है, ये आज मैं आप लोगों को एंकर टेक्स्ट बताऊंगा कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये अपनी लेक्चर में जरूर सिखाऊंगा, जल्दी नहीं है कोई भी, ठीक है। सबसे ज्यादा मुश्किल स्टूडेंट्स को यही टॉपिक रखते हैं, मगर सबसे ज्यादा आसान यही कर दूंगा आप लोगों के लिए ना। ब्रांड एंकर मेरी वेबसाइट है प्राइम मिनी, ठीक है, ब्रांड एंकर प्राइम मिनी। स्पेस के साथ ट्राइंगल, यानी हमारी जो डोमेन होगी उसको हम एज अ एंकर यूज करेंगे, यानी कि बैकलिंक्स बनाते हुए हम लोग यूज करेंगे, तो वो हम ब्रांडिंग कर रहे होंगे, यानी कि ब्रांड एंकर, एक्चुअली ब्रांड एंकर यूज कर रहे होंगे। नेक्स्ट एंकर जो ब्रांड एंकर है हम लोग यूज करेंगे 15% नेक्स्ट एंकर है लाइक crimini.com, एक दो ये यूज करेंगे, एक दफा www.crimini.com, एक दफा यूज करेंगे https://crimini.com, एक दफा यूज करेंगे https://crimini.com, इस तरह। यानी कि हम एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट एंकर टेक्स्ट के वेरिएशंस यूज करके हम जो है वो अपनी वेबसाइट की प्रमोशन कर रहे होंगे, अपनी वेबसाइट की तरफ बैकलिंक्स बना रहे होंगे। ये आपने बेसिकली समझना है, ये कैसे करना है ये अपकमिंग लेक्चर में बताऊंगा तो समझ आ जाएगी। लास्ट जो हमारा एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है उसका लास्ट पार्ट है, वो है जेनेरिक। जेनेरिक में हम लोग यूज करते हैं क्लिक हियर रीड मोर फॉर मोर इंफॉर्मेशन, इस तरह से ऐसे कीवर्ड जिनको आप कह लो कि जो किसी किसी भी सेंटेंस के कंप्लीट करने में इस्तेमाल हो, या आप कह लो कि जेनेरिक जिनका कोई मकसद ना बनता हो, ठीक है, उनमें हम जो है अपना अपने वेबसाइट के लिंक को ऐड करेंगे ताकि ये पता चले कि हमारी वेबसाइट की तरफ जेनेरिक लिंक्स बने हैं। अच्छा, उसके बाद ये सारा हम करें गूगल के लिए। इससे पहले 2012-13 तक जो है हम लोग एक ही एंकर टेक्स्ट बताते थे,
जो हमारा मनी एंकर होता था उसी को हम यूज करते हुए हम पूरी अपने लिंक सारी उसी की तरफ बनाते थे, तो हमारी वेबसाइट रैंक हो जाती थी। मगर जब से गूगल बहुत स्मार्ट हुआ है, गूगल ये कहता है कि डाइवर्सिफाई, लिंक प्रोफाइल में कहीं ये शो ना हो कि मनी एंकर क्या है, इसलिए लिंक्स को हम डाइवर्सिफाई करते हैं और इस एंकर टेक्स डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला को यूज़ करते हुए हम गूगल की रूल्स के मुताबिक अपनी वेबसाइट को लेके चल रहे होते हैं। अच्छा एक होता है डू फॉलो, एक होता नो फॉलो। आपने अपनी वेबसाइट की तरफ मोर देन 50%, 50 to 60% डू फॉलो लिंक्स बना लें, बाकी 30 to 40% नो फॉलो। ठीक है, वो कैसे बनाए जाते हैं, मोस्टली साइट्स होती हैं जैसे कि यूट्यूब है, विकिपीडिया है, बड़ी बड़ी साइट जितनी भी हैं वो देती है हमें नो फॉलो लिंक है, वो डू फॉलो लिंक दे ही नहीं सकती, उनकी अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। अब ये कह लो या कह लो कि वो बड़ी वेबसाइट है, अथॉरिटी की वेबसाइट है, वो हमें डू फॉलो लिंक दे देती नहीं है। कुछ साइटें हैं, चंद साइटें हैं जिन पे एक एक लिंक का 2500-2500 लगता है, वो हमें डू फॉलो लिंक तो देती हैं, मगर हर बंदा वहाँ से लिंक बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। ठीक है, इतने पैसे पे ही नहीं कर सकता। तो मुख्तलिफ आप मुख्तलिफ तरीकाकार होते हैं लिंक्स लेने के, खाता तो जाऊंगा मगर ये प्रैक्टिस मांगती है। एसईओ में आपने देखा होगा, मैं स्लो स्लो आप लोगों को डोज दे रहा हूँ, स्लो दे रहा हूँ, उसकी वजह यही है कि एकदम से मैंने सिखाना शुरू किया तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी, आप लोग समझ नहीं सकोगे कि एसईओ में हुआ क्या है, क्योंकि ये प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है साथ साथ। प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोगों को नहीं समझ ये है क्या। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।